जीतेंगे हम ये वादा करो जीतेंगे हम ये वादा करो कोशिश हमेशा ज्यादा करो किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना छूटे किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना छूटे तो मजबूत इतना इरादा करो साथियों उसी मजबूत इरादे के साथ आपकी एक और क्लास शुरू होती है उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई एकदम बढ़िया चल रही है तो आ जाए सभी फटाफट और हाँ अगर अभी तक आपने इस तस्वीर को नहीं देखा जो यहां लिखा है तो इसका इस स्क्रीन शॉट ले लें और इसे प्यार से देखें आराम से एक एक अच्छा छू छू के देखें आगे बढ़े उसको देख लिए तो फिर इसको भी देख लें क्योंकि यह भी आपके काम की बड़ी अच्छी चीज है इसमें सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है आइए यह आपकी लक्ष्य मैथ चल रही बेसिक मैथ डीएलएड की क्लास यूट्यूब पर टोटली फ्री ठीक है लक्ष्य बैच याद रखना इस बैच का नाम डन इसके पीछे की क्लास में इसमें काफी कुछ पढ़ चुके हो और जो बची हुई चीजें हैं वो आज हम पढ़ेंगे ठीक है भैया बढ़िया है मस्त है चलो आओ फिर देखो बाबू एक मैं बात बता दू आपको पता है कहा सुनो वो बात ये है कि इसमें अध्याय चार व पांच मैंने छोड़ा है अभी ठीक है छोड़ रहे है। जिसे अध्याय छ के बाद पढ़ाएंगे इसमें सिर्फ और सिर्फ थ्योरी है ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं करना है लिखना है वही आपका वितरण नियम बंटन नियम साचर नियम ये ताम जहां बड़ा बोरिंग होता है इसको हम लिख के पीडीएफ में दिखा देंगे छाप लेना ठीक है ये दोनों चैप्टर में वही सारी कहानी है जिसमें कैलकुलेशन होता है मैथ्स में उसी मजा आती है बाकी गुड़ा गणित जो कहानी है वो थोड़ा अच्छी नहीं लगती है तो वो मैं करवा दूंगा आपको इसके बाद ठीक है चलो आज का चैप्टर है साथी मेरे समीकरण तथा सर्व समीका इसे इंग्लिश में इक्वेशन तथा आइडेंटिटी कहा जाता है लिख लो चाहो तो इक्वेशन तथा आइडेंटिटी गूगल पर सर्च कर लेना स्पेलिंग नहीं आएगी तो है रोहित कुमार कमेंट आ रहा है सपना सिंह पूनम अग्रवाल हाँ सबके कमेंट आ रहे हैं आओ चलो पहले देख लीजिए थोड़ा सा परिभाषा फिर हम चलते हैं इनके मेन पॉइंट पे सर्व समीकरण और समीकरण क्या होते हैं ये दोनों पड़ोसी पड़ोसी होते हैं देवरानी जिठानी होती हैं समझ गए कि नहीं ये देवरानी जिठानी है ये कल सबा कहाँ चली यार बेसिक वाली चल गई क्या बड़ा मुसीबत है यार क्या कहूं एक मिनट रुकना डीएलएड वाली की जगह ये चल गई है ओहो क्या ही कहूं सॉरी थोड़ा रुकना ये डीएलएड वाली क्लास की जगह पे टाइटल थंबनेल दूसरा था इसका यह चल गई जो लिंक शेयर हुआ था वो नहीं चल पाया रुकना बस आधा मिनट रुकना निवेदन है रुकना प्यारे बच्चों जो लिंक दी गई है ऊपर ये डी एल एड की क्लास चल रही है इसमें कुछ टेक्निकल समस्या की वजह से डी एल एड वाला स्ट्रीम स्टार्ट नहीं हुआ बेसिक मैथ वाले पे हो गया लेकिन पढ़ाया डी एल एड का जा रहा है जिसे बाद में अपडेट कर दिया जाएगा ठीक है तो सभी आए और देखें ये अपडेट मैंने टेलीग्राम में दिया है समीकरण क्या होता है प्रतीकों की सहायता से व्यक्त किया गया गणितीय कथन जो दो व्यंजकों या बहुपदों को समान बताता है वो समीकरण कहलाता है समीकरण की एक खासियत और होती है इसमें जो चर पद है वेरिएबल्स उसका एक निश्चित मान रखने पर ही दोनों पक्ष बराबर आएंगे ठीक है एक निश्चित मान कोई भी अगर आप वो निश्चित मान फिक्स मान रखोगे तभी दोनों पक्ष बराबर होंगे अन्यथा बराबर नहीं होंगे ठीक है ये बहुत बड़ी खासियत है इसकी वहीं अगर सर्वसमिका की बात करें आइडेंटिटी की आइडेंटिटी में साथियों इसमें कोई भी वैल्यू रख के आप दोनों पक्ष बराबर कर सकते हो ठीक है इक्वेशन एंड आइडेंटिटी पढ़ रहे हैं समझना इसकी स्पेलिंग लिख लो इंग्लिश में सही है ना राहुल कमेंट आ रहा है आपका ठीक है कोई दिक्कत नहीं चलो इसको इंग्लिश में इक्वेशन कहते हैं ए टी आई ओ एन श्वेता आपका भी कमेंट आ रहा है मैं फोन में कमेंट ही सबका देख रहा हूं परेशान ना रहे बिना मतलब का कमेंट नहीं पढ़ते हम चलो ठीक है ये बातें समझ में आई अब हम डिस्क्राइब करेंगे कि ऐसा क्यों होता है कब होता है समझना मैं आपको डिस्क्राइब करके बताऊंगा देखो जैसे जैसे अगर मैंने कोई एक समीकरण लिया समझना जैसे देखिए समझना है यहां पे भाई जैसे एक मैंने समीकरण लिया सात एक धन नौ ठीक है समझना समझना है यहां ये क्या है कि क्वेश्चन है इसमें यक्ष की एक फिक्स वैल्यू है उसको रखने पर दोनों पक्ष इक्वल आएंगे बाकी सभी मान पर नहीं आएंगे चाहे देख लो चलो जनाब देखो यक्ष की एक निश्चित मान है जैसे यक्ष बराबर जीरो रखने पर दोनों पक्ष बराबर कभी नहीं होंगे देखो रखो ये जीरो हो जाएगा जीरो धन नाइन ये नाइन रहेगा ये जीरो हो जाएगा ये पंद्रह यानी फाइनल में दुनिया को दिखाने के लिए इसे तुम ऐसा भी कर सकते हो यानी नौ बराबर पंद्रह कह सकते हैं कि डज नॉट इक्वल ये दोनों बराबर नहीं है देखते जाओ आगे नहीं आया ना अब इसी में हम यक्ष बराबर इनका स्क्रीनशॉट लो फट से लो चलो लो जल्दी मिटाऊंगा नहीं आगे लिख देता हूँ जाने दो नहीं मिटाऊंगा सात एक धन नौ पाँच एक धन पंद्रह एक रखो चलो सात एकम सात धन नौ पाँच एकम पांच धन पंद्रह नौ सात सोलह पंद्रह पांच बीस बराबर आया नहीं नहीं बिल्कुल नहीं इनको छोटा करो आओ इधर आओ चलो बराबर इनका मान दो रखो एक बार देख लो वैसे ही बिना रखे ही सक्षम से पढ़ाई भी ध्यान दो तुम ज्योति के पीछे ज्यादा ध्यान दे रहे हो कमेंट देख रहा है तुम्हारा मैं सबका कमेंट देख रहा हूं बस अति हो जा रही इसलिए सोनम ये भी नाम ले लेके कमेंट कर रही सबका अच्छा यशस्वी रोहित प्रियांशु सावधान हो जाओ बस किसी का नाम नहीं सिर्फ पढ़ाई चलो अगर दो रखोगे तो कितना आएगा पहले मुझे बताओ चलो तुम लोग बताओ सक्षम सबसे पहले बताओ इसमें कमान जब रखोगे तो कितना आएगा इधर वाले पार्ट का बोलो क्या आएगा आरएचएस कितना आएगा बोलो सोनम जी आप ये बताओ कि एल एच एस कितना आएगा दो रखने पर एल एच एस कितना आएगा अब नहीं निकल रही आवाज नहीं अच्छा इसमें दो रखोगे तो चौदह हो जाएगा चौदह नौ चौदह छः बीस तीन तेईस इसमें दो रखोगे दस हो जाएगा पंद्रह दस पच्चीस ये तेईस या पच्चीस बराबर नहीं आएगा तीन रख लो तीन रखोगे कितना आएगा हम्म भाई साहब ये इक्कीस आएंगे धन नौ और ये पंद्रह धन पंद्रह इक्कीस नौ तीस बराबर तीस सो ये दोनों क्या है इक्वल हैं यानी यक्स का जो इसमें फिक्स वैल्यू था वो तीन था कि नहीं कुछ समझ में आया कब भैया आया कि नहीं हो आ गया सबको यानी यक्ष की क्या है फिक्स वैल्यू इसमें क्या है वो तीन है सभी को समझ में आ गया यानी हम कह सकते हैं कि ये क्या है समीकरण है मैंने बताया था जैसा कि समीकरण क्या होता है कि वो दिए गए चर पद के किसी एक फिक्स मान के लिए ही दोनों पक्ष बराबर होते हैं उसमें एक फिक्स मान के लिए जबकि आइडेंटिटी में ऐसा नहीं होता है सर्व समीका में ऐसा नहीं होता सर्वसमिका में आप जो वेरिएबल्स है उसका कोई भी मान रख सकते हो दोनों पक्ष बराबर आएगा जैसे एक दृश्य देख लो इधर आओ इनमें देखो देखो समझो मगर प्यार से चलो इनको छोटा करता हूं स्क्रीन साठ लो जल्दी ले लिया भाई ले लिया तो अच्छा है ना लिया ले तो लेबो ना करता आइए अब तुम्हें मैं सर्वसमिका दिखाता हूं साथी x प्लस वन का होल स्क्वायर है इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन है दिख रहा सबको आंखें फाड़ फाड़ के देखो दिख रहा है नहीं दिख रहा है रुको कमेंट तो दिख रहा है पूजा का क्या लिख रही है लेकिन तुम्हें ये सवाल नहीं दिखेगा ना ये दिखने वाली चीज थोड़े है दिखने वाली चीज नहीं है ये दादा ये देखो कहाँ जा रहा है ये दिखेगा भी नहीं तुम्हें इससे ज्यादा ये दिखेगा तो पूरा एक साथ दिखेगा साथ साथ मरेंगे वाला कॉन्सेप्ट है मुझे लिखना पड़ेगा फिर से दिख तो रहा होगा वैसे जाने दो चलो छोड़ो दिखेगा ना दिखे ना दिखे ना जाने दो ये बड़ा नहीं हो रहा है चलो तो इसमें क्या है धन वन का होल स्क्वायर बराबर है धन धन वन ये क्या है एक सर्वसमिका है इसमें यक्ष का कोई भी मान रखो दोनों पक्ष बराबर आएगा कुछ भी रख के देख लो चलो यक्ष का मान जीरो रखो फट से जीरो रखो चचा जीरो धन वन का होल स्क्वायर जीरो का स्क्वायर जीरो इंटू गड़ा जीरो वन का स्क्वायर करोगे वन आएगा इधर है ये जीरो हो जाएगा ये जीरो हो जाएगा वन बचेगा वन इक्वल वन बोलो का हो? फलाने जीरो रखने में दोनों बराबर आया बराबर आया बोलो जल्दी लिख लो फट से रोहित सर का कुछ खुदा नहीं आता पता है कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं कभी चले जाते हैं कभी कहते हैं हम कुछ नहीं करेंगे अब कभी कहते हैं करेंगे भगवान जाने इनका क्या है चलो यक्ष का मान वन रखने पर वन रखो चलो तो यस की जगह वन होगा थोड़ा कलर बदल देता हूं यक्स की जगह आप वन रखोगे ये बनेगा बाबू वन प्लस वन का होल स्क्वायर ये बनेगा वन का स्क्वायर टू इंटू वन प्लस वन ये वन वन टू हो जाएगा तो यानी टू का स्क्वायर ये वन का स्क्वायर यानी वन टू का स्क्वायर टू और प्लस वन दो दूना ये चार हो जाएगा ये सब जुड़ेगा चार हो जाएगा बोलो बराबर आ रहा कि नहीं भैया बराबर आता है ना हो ये सब बराबर आ रहा है दिख रहा है नहीं दिख रहा है यहां देख लो इधर ये इधर देख लो यानी यक्ष का कोई भी मान तुम रख लो दोनों पक्ष सदैव बराबर आएगा वो क्या होती है सर्वसमिका होती है आइडेंटिटी कहलाती है कुछ और कुछ और रख के दिखा दें चलो जिनको तफली नहीं है बताओ क्या रखे है एक्स का मान कुछ भी रख के देख लो तुम मैंने रखा ना जीरो रख दिया वन रख दिया चलो तीन चार रख लो चलो एक आठे और दिखाता हूं इसको छाप लो छाप लिया करो चलो फटाफट -फड़ छापा करो नहीं छाप पाए तो स्क्रीन शार्ट लेना बैक करके वीडियो चलो एक्स बराबर पांच रखने पर पांच रखो तो भाई साहब ये हो जाएगा बाबू पांच और ये वन और इसका होल स्क्वायर देखो यक्स की जगह पांच रखा है यक्स का स्क्वायर है यानी पांच का स्क्वायर दो यक्स है यानी दो गुड़ा यक्स की जगह पांच धन एक पांच धन एक यानी छह का स्क्वायर पांच का स्क्वायर साथ ही मेरे कितना होगा पच्चीस ठीक है बाबू भैया पंचे दस धन एक छे का स्क्वायर करोगे छत्तीस कोई डाउट नहीं पचम पच्चीस धन पैंतीस एक छत्तीस दोनों पक्ष बराबर आया कि नहीं कुछ भी रख के देख लो तुम यक्ष का कोई भी मान रख लो दोनों पक्ष सदा इक्वल आएगा शेख नजबुल्लाह भैया आम इंडिया छोड़ के कहीं जाने वाले नहीं है तुम कुछ भी पूछ लो मुझसे ठीक है और ना हम जाने वाले हैं ना हम बाहर से किसी को लाने वाले बाकी आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है है ना रिश्ते मजबूत हो रहे हैं हो गया सभी लिख लिए आगे बढ़े तो अब हम बात करेंगे इक्वेशन हल करने की छोटी छोटी बातें करेंगे मोटा मोटा आप लोग सीख गए जो मैंने अभी बातें बोला कुछ लोग समझ पाए होंगे सभी नहीं समझ पाएंगे जो न्यूज वगैरह देखते हैं वो समझ गए होंगे खुशबू सिंह कमेंट आ रहा है पढ़ाई पे ध्यान दीजिए इसे सब समझिए स्क्रीन शाट लीजिए बाद में फुर्सत में पढ़िए तो ये हो गया ये सारी चीजें आपको मैं समझा चुका हूं ऑलरेडी थोड़ा सा मुझे बदलने दो थीम पता नहीं काहे को बदलता नहीं है चलो करीका कर लो करीबा बहुत याद आता है बहुत अच्छा कलर है चलें अब देखिए क्या होने वाला है यहाँ पर समीकरण और सर्वसमिका में छोटा छोटा हम लोग हल करना सीख लेते हैं बाकी चीजें तो होती रहेंगी मोटी मोटी हम्म मान निकालना सीखते हैं फिर बाकी चीजें हम आगे क्लास में पढ़ेंगे पहले स्टेप बाय स्टेप कुछ चीजें जरूरी हैं, ठीक है, है? लिखिए समीकरण नौ एक्स स्क्वायर प्लस सात बराबर चेक करके मुझे बताओ फट से ये यक्ष के किस मान के लिए एक दूसरे के बराबर है मतलब यक्ष का कौन सा ऐसा फिक्स वैल्यू है जो इसे सेटिस्फाइड करता है अभी पूरा लिखने दो हम्म एक मिनट रुक जाओ भैया मैं देख रहा हूँ कि किस मान पे बराबर होता है मुझे समीकरण बनाना पड़ेगा ना तो थोड़ा टाइम देना बन बन रहा है बन गया है रुको रुको बताओ यक्ष के कौन से फिक्स वैल्यू के लिए दोनों पक्ष बराबर होंगे सोच के बताओ चलो बताओ जल्दी करिए यक्ष के कौन से वैलू के लिए दोनों पक्ष इक्वल दो होंगे सोच के बताना है देखिए बहुत सिंपल सी बात है मैंने बहुत आसान रखा है इतनी देर सोच के लिखा है देखिए ऐसे कुछ भी नहीं लिख सकते आप समीकरण अगर आपको बनाना है सवाल बनाना है तो आप क्या करेंगे आइए यक्स बराबर जीरो रखने पर जीरो रख के मुझे बताओ कि आर एच एस कितना आएगा सभी बताओ फट से अपने अपने में करो जीरो रखो और बताओ इसका मान कितना आएगा जीरो रखोगे तो नौ गुड़ा ये जीरो का स्क्वायर धन इकतीस जीरो का स्क्वायर जीरो, जीरो इसका गुड़ा होगा सब जीरो हो जाएगा ये सात बराबर ये सब जीरो हो जाएगा ये इकतीस ये डज नॉट इक्वल बराबर नहीं आपस में तो यानी जीरो रखने पर क्या है इक्वल नहीं है एक रख के देखो एक पर भी नहीं है ना एक ऐसी संख्या होगी जिस पर ये बराबर है वन रख के देखो वन पर भी बराबर नहीं है वन का स्क्वायर प्लस इकतीस तो ये एक का स्क्वायर एक एक होगा नौ में गुड़ा होगा नौ धन सात तीन का स्क्वायर तीन एक में गुड़ा होगा तीन नौ सात सोलह इकतीस तीन चौंतीस सोलह बराबर कितना चौंतीस बराबर नहीं है ना सोनम ठीक है बहुत अच्छा यक्ष कमान क्या रखोगे दो दो रखने पर तो दो रख लो यक्ष कमान तो दो दुना चार और नौ का गुड़ा करोगे तो छत्तीस धन सात ये दो दुना चार इनको करोगे छत्तीस चार चालीस तीन तिरालीस ये हो जाएगा तीन चौक बारह ये भी तिरालीस यानी आप कह सकते हो कि टू रखने पर दोनों पक्ष क्या आपस में इक्वल हैं है ना तो सभी को समझ में आ रहा मेरी बात की नहीं आ रहा है चलो अच्छा आगे चलो समीकरण सर्व समीका पढ़ रहे हो तो फिर बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ लो तो अच्छा है बड़ा गंदा कलर टाइप का लग, लग रहा है ना ये सही लग रहा है देख ब्लैक दिख रहा होगा ना इसपे अच्छा पीला वाला दिख रहा है चलो अब ये बताओ इनमें कौन सर्व समीका है बताना मुझे मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ ध्यान देना पहला एबीसी में कौन सर्वसमिका है बताओ कमेंट करो फट से कौन इसमें आइडेंटिटी है और क्यों सभी साथी सेशन को लाइक जरूर करें फटाफट देर ना करें लाइक जरूर करें <coughs> बहुत अच्छा वेरी गुड इसमें ऑप्शन नंबर बी क्या है वो आइडेंटिटी है बी नंबर उसका कारण जानते हो काहे को बताता हूं ठीक है बी है आ, क्योंकि देखो ये अगर इधर आएगा तो यक्स, यक्स, यक्स स्क्वायर ये खत्म हो जाएगा आपका सात और नौ एक नौ माइनस सात बराबर जीरो आप कर सकते हो अब इसमें यक्स का कोई भी मान रखोगे तो जीरो नहीं आएगा दोनों तरफ कभी भी नहीं आएगा यानी ये यक्ष के एक फिक्स वैल्यू के लिए ही दोनों पक्ष बराबर होगा और ये भी वही दशा में है इसमें भी यक्ष का कोई एक फिक्स वैल्यू ही दोनों पक्ष को बराबर कर सकता है लेकिन ये निष्पक्ष है ये यह के सभी मान के लिए क्या होता है बराबर होता है ये सभी को संतुष्ट करता है सभी को खुश करता है लेकिन ये फंडा लाइफ में लागू नहीं होता है अगर आप सबको खुश करने की कोशिश करते हैं तो लास्ट में आप खुद दुखी हो जाएंगे आगे बढ़े अगला आप चलो एक और ले लो दिख रहा है पहला देखो नौ एक्स स्क्वायर धन पांच एक्स धन एक बराबर एक धन तीन का होल स्क्वायर दूसरा सात एक्स होल स्क्वायर धन चौदह एक्स धन समझते चलना उनचास इन दोनों में कौन सर्वसमिका है बताओ आइडेंटिटी कौन है इसमें जल्दी कमेंट करो जो बता लेगा मान लो कि वो बाजी मार ले गया सर्वसमिका है बताओ आइडेंटिटी कौन है इसमें जल्दी कमेंट करो जो बता इसमें कौन सर्वसमिका है बताओ जल्दी करो भाई ठाकुर ऋषि हाँ कमेंट आ रहा है सोनम खुशबू सिंह प्रियांशु वर्तिका दिव्या कुमारी दिव्या तिवारी शेख नजुल्ला ऐसा कुछ है ना इसमें कौन सर्वसमिका है देखिए अगर आप इसमें प्यार से देखो तो इसमें बी वाला सर्वसमिका है क्यों क्योंकि वास्तव में अगर आप इसको देखोगे यक्ष धन तीन का होल स्क्वायर इसको, इसको खोल के देखो क्या बनेगा रुको इनको छोटा करो ये दोनों एक दूसरे के बराबर होगा ही नहीं अगर तुम इनको देखो ओपन करके यहां देखो छोटा लाके का होल स्क्वायर इसको सूत्र पे रखो ए का स्क्वायर यानी टू ए बी यानी टू और ए की जगह पर यक्ष और बी की जगह पर तीन यानी दूती छ कितना हो जाएगा यक्ष और धन तीन त्रिका नौ ये इतना बनेगा बोलो अगर ये इसके बराबर होता साहब तब ये कह सकते थे कि सर्वसमिका नहीं क्या है मतलब सॉरी सर्वसमिका है हम कह सकते थे ये क्या है सर्वसमिका है अगर ये ऐसे होता तो बट ये तो कुछ और के बराबर है तब वो सर्वसमिका नहीं है ठीक है ये सूत्र का पालन नहीं करता सर्वसमिका वाले नियम का ये बराबर नहीं है अब आप लोगों को मुझे ईमानदारी से बताना बेईमानी नहीं करना ये कितने लोगों को याद है अगर तुम्हें ये सूत्र नहीं याद है तो फिर ये चीजें समझ में नहीं आएंगी बोलो याद है अगर ये नहीं याद है तो जीरो लेवल से मैं देखिए पीवीआर स्टडी ऐप में हर सप्ताह हर दसवें दिन नया बैच आता रहता है ठीक है सभी समझ रहे हो कि नहीं हम्म अगर ये चीजें आपको नहीं पता है तो बेसिक पहले सीख लो तभी कुछ होने वाला है अगर हम इसकी बात करें तो इसमें देखो अगर इसको a मान लें तो a का स्क्वायर धन टू ए बी टू और a और b यानी सात दो चौदह एक्स और धन b का स्क्वायर यानी उनचास देखो ये पूरा पूरा बन रहा है यानी बी वाला क्या है बी वाला ये इसके बराबर बन रहा है जनाब बी वाला क्या सर्वसमिका है अगर तुम सी वाला देखो यक्स का स्क्वायर धन टू ए बी टू ए बी इनका दोनों गुड़ा करो तीन एक्स और दो एक्स धन तिन्तरी नौ ये इतना आएगा ये अगर इसके बराबर होता तब ये सर्वसमिका होती लेकिन ये कुछ और है तो ये भी क्या था ये सर्वसमिका नहीं थी ये भी सर्वसमिका नहीं था ये है ये था इसका मतलब ना रजनी प्रजापति याद है सबको याद है सूत्र पक्का चलो फिर याद है तो बढ़िया अच्छी बात ईमानदारी से बताओ अपने उसकी कसम खा के मतलब समझ रहे हो क्या उसकी मतलब ये ये फार्मूले तुम्हें आने चाहिए A, B, C, D, e, F जी ये सारे सूत्र आपको आने चाहिए इसके अलावा और भी एक दो होते हैं ठीक है ये सब लिख लेना आज प्रैक्टिस कर लेना सब जितना है और काफ़ी बच्चों को नींद आ रही तो आज काफी टाइम हो रहा है मैं क्लास बंद करूँगा वैसे आधे घंटे की क्लास ज़्यादा ही हो चुकी है उससे तो ठीक है बढ़िया है सब अच्छा है सुंदर है हाँ जो भी छात्र डीएलएड का कंप्लीट मैथ पढ़ना चाहते हैं कम समय में अच्छे से पढ़ना चाहते हैं डाउट वगैरह क्लियर करना चाहते हैं डायरेक्ट हमसे जुड़ करके संपर्क में रह के पढ़ना चाहते हैं वो पी स्टडी की सब्सक्रिप्शन वाली बैच को ज्वाइन कर लें ठीक है सब्सक्रिप्शन वाली बैच ज्वाइन करें जिसका फीस ये इतना है दो साल के लिए दो साल वैलिड है टू ईयर और अभी प्रजेंट टाइम में इसमें जो ऑफर चल रहा है ऑफर में इसे आप सिर्फ सेवन नाइन नाइन में ले सकते हैं चारों सेमेस्टर मैथ्स ऑल सेमेस्टर मैथ्स ठीक है डाउट पूछने के लिए व्हाट्सएप की सुविधा मिलेगी डायरेक्ट पर्सनली आप हमसे संपर्क कर पाएंगे और कम समय में अच्छे से पढ़ पाएंगे जो ईमानदारी से अभी से ज्वाइन कर लेते हैं अगर परीक्षा देने का पर्याप्त तो टाइम है तो गणित में पूरा पूरांग लाने की गारंटी होती है बस आपको नोट्स वगैरह बनाना है और मेहनत करते रहना है पढ़ाई अपना जारी रखना है ठीक है भैया बाबू तो बस आज के लिए इतना ही थैंक यू इसे नोट कर लीजिए और समझिए